एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ वेरिएबल्स बनाए हुए हैं, उनके बाद दो लूप लगाए हुए हैं, कुछ प्रिंट एफ लिखे हुए हैं। तो हमें फाइनली बताना है कि स्क्रीन का आउटपुट क्या आएगा, स्क्रीन पे क्या दिखेगा हमें। अब इस तरह का प्रोग्राम कैसे ड्राई रन किया जाता है, इसका एग्जाम्पल मैं करके बता रहा हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप स्क्रीन को अभी पॉज कर लीजिए और इसको ड्राई रन खुद करके देखिए, और देखिए आपका आउटपुट क्या आ रहा है। उसके बाद फिर मैं इसको ड्राई रन करके बताऊंगा, फिर प्रोग्राम को हम रन करके देखेंगे। अभी तक मैंने भी प्रोग्राम को रन करके नहीं देखा है, तो पहले मैं ड्राई रन करके बताऊंगा, उसके बाद मैं इसको रन करूंगा। ठीक है, तो ये रहा प्रोग्राम। अब इसको ड्राई रन कैसे करना, ड्राई रन करने की पहली पहली जो शर्त है, वो पहला जो रूल है, वो ये है कि आप लाइन बाय लाइन ही ड्राई रन करेंगे। यानी कि आप उसी तरीके से जिस तरीके से कंप्यूटर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, वैसे ही आप करेंगे। तो सबसे पहले कौन सी लाइन आप चलाने वाले हैं, ये वाली लाइन। तो इसमें क्या है, इसको रीड करेंगे तो अपने को पता चलेगा इसमें तीन वेरिएबल्स बन रहे हैं। आप जब भी इस लाइन को पढ़ें तो आप हमेशा क्या करेंगे, तीन वेरिएबल्स के लिए, क्योंकि तीन वेरिएबल्स बन रहे हैं, आप मेमोरी ब्लॉक्स बना लेंगे। मैंने बना लिया आई के लिए, मैंने बना लिया जे के लिए, मैंने बना लिया के लिए। ठीक है, ओके। तो इनिशियली के में जीरो रखा है, वो भी आप इधर कर दीजिए, इतना आपने कर दिया। अब क्या होगा, अगली चीज, अगली लाइन पे आते हैं, ये फॉर लूप स्टार्ट होगा। इस फॉर लूप में आई की वैल्यू इनिशियली वन है, तो आप तुरंत चेंजेस भी करेंगे। तो ड्राई रन में इस बात का ध्यान रखें कि जब भी किसी वेरिएबल में कोई चेंजेस होते हैं, तुरंत इन ब्लॉक में चेंजेस करिए। फिर जब इस कंडीशन को रीड करेंगे तो आप आई लेस देन इक्वल टू थ्री रीड नहीं करेंगे, बल्कि आई की वैल्यू के साथ इसको रीड करिए। जैसे कि आप बोलेंगे वन लेस देन इक्वल टू थ्री, अब कंडीशन या तो ट्रू है या फॉल्स है। हम जानते हैं वन लेस देन इक्वल टू थ्री ट्रू है, तो कंट्रोल अंदर आ जाएगा। और अब हम लोग अंदर वाले फॉर लूप पर, अंदर वाले फॉर लूप में क्या हो रहा है, जे की वैल्यू इनिशलाइज हो रही है आई से, आई की वैल्यू वन है तो जे में भी चला जाएगा वन। अब हम इसको रीड करेंगे वन लेस देन इक्वल टू फोर, जो कि कंडीशन ट्रू है। अंदर आते हैं, तीनों का सम करते हैं। अब तीनों यहाँ वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, 1 1 0, तीनों का ऐड हुआ तो टू आया। के अंदर ये वैल्यू असाइन हो जाती है, तो के की नई वैल्यू हो जाती है टू। तो मैं यहाँ चेंजेस करता हूँ और के में असाइन कर देता हूँ टू। अभी इसके बाद कंट्रोल कहाँ जाएगा, ये क्योंकि जो अंदर वाला फॉर लूप है, हाँ, इसके अंदर ये पहली लाइन थी, ठीक है, ये फर्स्ट लाइन थी, और ये फर्स्ट लाइन के बाद ये लाइन सेकंड लाइन है, क्योंकि ये लाइन भी इसी लूप के अंदर लिखी हुई है, इसलिए अब ये प्रिंट एफ चलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसमें दो लाइंस लिखी हुई हैं। ये कई बार अलाइनमेंट आपको कंफ्यूज करते हैं, तो आप उनसे कंफ्यूज मत होइएगा। फॉर की बॉडी आप नोटिस करिए, फॉर की बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है, तो इसीलिए आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड ये इसी फॉर लूप के अंदर है। तो पहले तो ये के की वैल्यू अपडेट कर दी, उसके बाद प्रिंट एफ चला। प्रिंट एफ चला तो क्या आउटपुट स्क्रीन पे आएगा, तो आइए हम आउटपुट भी लिखते चले। नीचे कहीं मैं लिख देता हूँ आउटपुट। ठीक है, तो सबसे पहले जो आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होगा वो होगा आई की वैल्यू वन, जे की वैल्यू वन और के की वैल्यू टू। ठीक, इसके बाद कंट्रोल यहाँ से चला जाएगा जे प्लस प्लस पे। ठीक है ना, जे प्लस प्लस पे, तो जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, जे की नई वैल्यू हो जाएगी टू, और फिर कंट्रोल आएगा इस कंडीशन पे, तो टू लेस देन इक्वल टू फोर, कंडीशन ट्रू है। अंदर आते हैं, तीनों का सम करते हैं, तीनों का सम होगा फाइव। आप यहाँ ब्लॉक्स में देखिए, वन टू टू, तीनों का सम होगा फाइव, और के की वैल्यू चेंज हो जाएगी, के की वैल्यू हो जाएगी फाइव। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर भी चेंजेस कर दिए, ये वैल्यू हो गई फाइव। हो सकता है आपने इस प्रोग्राम को जब ड्राई रन किया हो तो कहीं गलती करी हो। मैं जैसे जैसे ड्राई रन करता जा रहा हूँ, आप नोटिस करिएगा अगर आपसे गलती हुई है तो कहाँ हुई है। के की वैल्यू फाइव हो जाने के बाद अब ये सेकंड लाइन चलेगी प्रिंट एफ वाली, जिसमें आई की वैल्यू फिर से प्रिंट होगी। देखिए कोई लाइन चेंज नहीं हो रही है, तो इसी लाइन में हमें दिखाई देगा, क्योंकि मैंने लास्ट में यहाँ थोड़ी सी स्पेस दे दी थी, तो एक स्पेस के बाद ही यहाँ पे प्रिंटिंग होगी। तो आई की वैल्यू प्रिंट होगी वन, जे की वैल्यू प्रिंट होगी टू, जे इक्वल्स टू टू, और के की वैल्यू प्रिंट होगी फाइव। गॉट इट। इसके बाद क्या, इसके बाद फिर कंट्रोल जाएगा जे प्लस प्लस पे और जे की वैल्यू को बढ़ा देगा, जे की वैल्यू हो जाएगी थ्री, और फिर कंडीशन चेक करेंगे, थ्री लेस देन इक्वल टू फोर ट्रू है। अंदर आएंगे, तीनों का सम करेंगे, तीनों का सम कितना होगा, 1 3 5, यानी कि 9। ओके, 9 किस में चला जाएगा, के में, तो के की नई वैल्यू हो जाएगी 9। ठीक है, ये मैंने यहीं पे चेंजेस कर दिए, के की वैल्यू हो गई 9। अब
अब क्या होगा, प्रिंट होगा, तो प्रिंट क्या होगा, आई की वैल्यू प्रिंट होगी 1, जे की वैल्यू प्रिंट होगी 3 और के की वैल्यू प्रिंट होगी 9। ओके, फिर कंट्रोल ऊपर गया, जे प्लस प्लस, जे की नई वैल्यू हो जाएगी 3 से बढ़कर 4। तो ये मैंने चेंजेस कर दिए यहां पर। इसके बाद फिर यहां पर देखते हैं जे लेस देन इक्वल टू 4 है ना, तो इसको रीड करिए, 4 लेस देन इक्वल टू 4, ये ट्रू है कंडीशन। फिर अंदर आएंगे, तीनों का सम करेंगे तो ये हो जाएगा 14। तो फिर मैं चेंजेस कर देता हूं, के की नई वैल्यू हो जाएगी 14। ठीक है, अब फिर ये प्रिंट एफ चलेगा। ओके, मेरे पास अब जगह नहीं बची यहां पे लिखने के लिए, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए यहीं पे, इसी में आगे सीधी लाइन में, यानी लाइन चेंज नहीं होगी, यहीं पर प्रिंट हो जाएगा आई। ये मैं नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं मेरे पास, लेकिन अदरवाइज आपको समझ में आ रहा है कि ये एक ही लाइन में दिखने वाला है। आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 4 और के की वैल्यू 14, ऐसा प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद फिर कंट्रोल जाएगा जे प्लस प्लस पे, जे की नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 5 और फिर ये कंडीशन चेक करेंगे तो 5 लेस देन इक्वल टू 4 फॉल्स हो जाएगा, तो कंट्रोल सीधे इस फॉर लूप के बाहर आ जाएगा जहां पे एक प्रिंट एफ है और वो लाइन चेंज कर रहा है, इसके कारण कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा। अब क्या होगा, अब कंट्रोल ऊपर जाएगा आई प्लस प्लस पे, क्योंकि यहां से अब कंट्रोल को जाना है आई प्लस प्लस पे, तो ये कंट्रोल यहां से गया आई प्लस प्लस पे। ठीक, आई प्लस प्लस के बाद आई की वैल्यू को 2 करने के बाद ये कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन है 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है। फिर से अंदर आएंगे, जे की वैल्यू इनिशियलाइज होगी आई की वैल्यू से, यानी आई की वैल्यू 2 है तो जे में भी वैल्यू चली जाएगी 2, तो जे की वैल्यू को मैं चेंज कर रहा हूं, जे की वैल्यू यहां पर हो जाएगी 2। ठीक है, अब क्या होगा, 2 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएंगे तीनों का सम करेंगे तो 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 40 18 हो गया, तो k की नई वैल्यू हो जाएगी 18। ठीक है, अब जब प्रिंटिंग करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, i की वैल्यू प्रिंट होगी 2, j की वैल्यू प्रिंट होगी 2, k की वैल्यू प्रिंट होगी 18। फिर कंट्रोल j प्लस प्लस पे जाएगा, j की नई वैल्यू हो जाएगी 3, 3 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएंगे तीनों का सम करेंगे तो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 18 23, 23 हो जाएगी k की नई वैल्यू, तो k की वैल्यू को मैं चेंज कर रहा हूं, दिस बिकम्स 23। ठीक है, अब क्या होगा, अब प्रिंट एफ चलेगा, प्रिंट एफ प्रिंट करेगा i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 3 और k की वैल्यू 23। उसके बाद फिर हम जाएंगे जे प्लस प्लस पे, जे की नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 4, क्योंकि जे की वैल्यू अभी 3 थी, एक और बढ़ के हो जाएगी 4, कंडीशन 4 लेस देन इक्वल टू 4 ट्रू है, अंदर आएंगे तीनों का सम करेंगे 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 23 29, तो के की नई वैल्यू हो जाएगी 29। ओके, मैं इसको मिटा के लिखता हूँ 29। ठीक है, बहुत केयरफुली हमें एक एक स्टेप करनी होती है। इसके बाद ये प्रिंट एफ चलेगा, आई जे के की वैल्यू फिर से प्रिंट होगी तो आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 2, जे की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 4, के की वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी 29। ठीक है, फिर हम लोग कंट्रोल ऊपर जाएगा जे प्लस प्लस, जे की अब नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 5 और जे की वैल्यू 5 है तो कंडीशन फॉल्स होने वाली है, 5 लेस देन इक्वल टू 4, तो कंट्रोल आ जाएगा प्रिंट एफ पे, प्रिंट एफ बैक स्लैश एन, क्योंकि लाइन चेंज हो जाएगी इससे बैक स्लैश एन से, और कंट्रोल अब नेक्स्ट लाइन पे आ गया है ना, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ गया। अब कंट्रोल जाएगा आई प्लस प्लस पे और आई की वैल्यू चेंज होगी, इंक्रीमेंट होगी, 3 हो जाएगी, तो आई की अब नेक्स्ट वैल्यू हो चुकी है 3। ओके, 3 लेस देन इक्वल टू 3 ट्रू है, फिर से अंदर आएंगे, जे को इनिशियलाइज करेंगे आई से, यानी जे की अब वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, तो जे की वैल्यू चेंज कर ली मैंने, 3 हो गई। अब 3 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है, अंदर आते हैं तीनों को ऐड करते हैं, 3 प्लस 3 6 हो गया, 6 प्लस 29 करेंगे तो 6 प्लस 29 कितना होगा, 35, के की नई वैल्यू हो जाएगी 35, तो के में चेंजेस कर रहा हूं, के की नई वैल्यू हो गई है 35।
अब प्रिंटफ चलेगा, प्रिंटफ क्या प्रिंट करेगा, तो आई की वैल्यू तो 3 प्रिंट करेगा, जे की वैल्यू 3 प्रिंट करेगा और के की वैल्यू 35 प्रिंट करेगा। इसी तरीके से फिर से जे इंक्रीमेंट होगा और जे की वैल्यू अब 3 से बढ़कर हो जाएगी 4। ये मैंने जे में चेंजेस करे, 4 हो गया। कंडीशन रीड करें, कंडीशन है 4 less than equal to 4, कंडीशन ट्रू है। अंदर आते हैं, तीनों का सम करते हैं, 3 plus 4 7, 7 plus 35 that is 42। तो मुझे k की वैल्यू चेंज करनी है, k की वैल्यू हो गई 42। अब प्रिंट एफ चलेगा, तीनों वैल्यूज प्रिंट होगी, i की वैल्यू प्रिंट होगी 3। जब मैं प्रिंट करता हूँ तो मैं ये i j के वेरिएबल्स को देखता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि j की वैल्यू 4 है और k की वैल्यू 42 है। वॉट नेक्स्ट, फिर जे इंक्रीमेंट होगा, जे की नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 5। कंडीशन है 5 less than equal to 4, फॉल्स, तो आ जाएंगे प्रिंट एफ, बैक स्लैश एन, यानी कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। तो कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है और उसके बाद फिर आई प्लस प्लस पे जाते हैं, तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और आई की नई वैल्यू हो जाएगी 4, क्योंकि आई की वैल्यू अभी 3 थी, तो अब आई की नई वैल्यू हो जाएगी 4। पर आई की वैल्यू 4 होने पर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, 4 less than equal to 3, फॉल्स। तो कंट्रोल इस फॉर की बॉडी के बाहर आ जाएगा, फॉर की बॉडी यहां से स्टार्ट हो रही थी, यहां पे खत्म हो रही थी, तो अब ये वाला स्टेटमेंट चलने वाला है। ये प्रिंट ऑफ क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा आई की वैल्यू दैट इज 4, जे की वैल्यू दैट इज 5, के की वैल्यू दैट इज 42। अब हमें इस प्रोग्राम को रन करके देखना है क्या हमारा जो आउटपुट हमने सोचा हुआ है यही आउटपुट आ रहा है। लेकिन ये प्रोग्राम रन नहीं होगा, क्यों रन नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक एरर है। आई डोंट नो आपने इस पूरे प्रोग्राम को ड्राई रन करते वक्त इस बात को नोटिस किया या नहीं किया, जब हम ड्राई रन करते हैं तो हमें हर लाइन को लेटर बाय लेटर रीड करना चाहिए ताकि हमसे एक भी मिस्टेक हुई हो तो हम उसको समझ सकें। तो इस पूरे डेमोन्स्ट्रेशन में आपने देखा कि हमने वो एक छोटी सी चीज़ छोड़ दी, वो चीज़ क्या आपको पकड़ में आ रही है, वो है प्रिंट एफ की स्पेलिंग। ये जो सेकंड लाइन यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, यहाँ आप देखिए इस प्रिंट एफ की स्पेलिंग में टी गायब है, तो ये प्रोग्राम एरर देने वाला है। इसीलिए आपको ड्राइन करते वक्त बहुत ज़्यादा शार्प होना पड़ेगा, बहुत एक एक लेटर को रीड करना पड़ेगा ताकि जरा सी भी मिस्टेक है तो आपको ईजिली दिख जाए। खैर ये मिस्टेक कोई बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन क्योंकि ये कंपाइलर बता सकता है मिस्टेक, इसलिए इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर हाँ, जो ड्राई रन हमने किया है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कैसे हम इवैल्यूएट करते हैं चीज़ों को। तो ये देखिए यहाँ पे टी मिसिंग था, तो ये टी इंटेंशनली मैंने मिस किया हुआ था, जिससे कि आपको ये पता चले कि भाई लेटर बाय लेटर रीडिंग करना कितना इम्पॉर्टेंट है। एनीवेज, आप में से जिन लोगों ने ये टी देख लिया था पहले कि मिस है, कंग्रेचुलेशन, आपकी आई साइट बहुत अच्छी है। लेकिन वेट अ सेकेंड, अगर इस प्रोग्राम को रन करूँ और अगर आपको दिख रहा है कि कोई एरर नहीं है तो फिर हम गलती कर रहे हैं। एक बार फिर नोटिस करिए, इस कोड में और कहीं पर भी मिस्टेक है। यस, ये जो प्रिंट एफ था इसमें भी मैंने टी हटा दिया था, तो आप नोटिस कर सकते हैं कि दोनों प्रिंट एफ की स्पेलिंग गलत थी। हमने पूरा ड्राई रन कर लिया लेकिन इस पर तो ध्यान ही नहीं दिया। तो क्या आप लोगों ने ड्राई रन करते वक्त इसको नोटिस कर लिया था? अगर नोटिस कर लिया था तो मैं वाकई में आपको कंग्रेचुलेट करूंगा, क्योंकि ये चीज़ें आसानी से लोगों को दिखती नहीं है। तो ये टी यहाँ पर मिसिंग है, तो यहाँ पर मैं टी लगाता हूँ तभी प्रोग्राम रन हो पाएगा। बाकी का हमने जो कोड ट्रेस किया है वो बिल्कुल सही किया है, अगर स्पेलिंग सही होती है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको रन करके बता रहा हूँ। ओके, ये आउटपुट आ रहा है। अब एक बार चेक कर लें कि क्या फाइनल आउटपुट हमारा एग्जैक्टली सेम है। तो ये देखिए, हमने जो आउटपुट सोच के रखा था, सबसे पहले जो लाइन प्रिंट होनी चाहिए वो है आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, के की वैल्यू 2, यस यही आ रहा है, 125, यस 125, देन 139, यस 139, देन 1414, ये देखिए नीचे लिखा हुआ था 1414, यस बिल्कुल सही है। अगली लाइन में क्या है, अगली लाइन देखिए आप, अगली लाइन देखिए आप, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2 और के की वैल्यू 18, यस यही लिखा हुआ है। फिर आई की वैल्यू 2, 3 और 23, 2, 3, 23, बिल्कुल सही है, 2, 4, 29, 2, 4, 29, बिल्कुल सही है, 3, 3, 35, बिल्कुल सही है, 3, 4, 42,
यस 3 4 42, लास्ट में 4 5 42, यस 4 5 42, एग्जैक्टली सेम। तो ड्रायरन थोड़ा पेशेंस का काम है, लेकिन आप अगर इसको करेंगे तो डेफिनेटली आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स में डेवलप होगी, आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर होगी कि कंप्यूटर आपकी लिखी हुई लैंग्वेज।